हाँ जी दोस्तों, स्वागत तुहाडा सब दा अज दीआं खबरां दे मुख एपीसोड दे विच। आओ गल करदे हां पंजाब दीआं चोणवीआं खबरां दी। इस वेले जो पहली वड्डी खबर आ रही है जी, जदों तक पंजाब दी आर्थिकता मुड़ लीह ते नहीं आउंदी मैं उदों तक आराम नाल नहीं बैठांगा। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह सूबे की अर्थव्यवस्था को मुड़ विकास के लिए लिया तक आराम ना करने का संकल्प लेंदिया पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लोगों की भलाई वाली कई योजनावां का ऐलान किया है। सरकारी खेत्र में 1,00,000 नौकरियां सने कुल 6,00,000 नौजवानों को आने 2 साल में नौकरियां दी जाएंगी, इस गल का ऐलान किया गया। अपने आजादी दिहाड़े के भाषण दौरान मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि 50,000 सरकारी नौकरियां नौजवानों को वित्तीय साल 2021 और होर 50,000 नौकरियां वित्तीय साल 2022 में दी जाएंगी। उन्होंने प्राइवेट खेत्र में 50,000 नौजवानों की प्लेसमेंट के टीचे नाल अगले महीने वर्चुअल मैगा जॉब मेले का भी ऐलान किया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्होंने सरकार वालों शुरू की अहम योजना घर घर रोज़गार स्कीम तहत हुण तक 13.60 लाख नौजवानों को रोज़गार मुहैया करवाया जा चुका है। इस गल दे विच किन्नी कि सच्चाई है कमेंट करके जरूर दसना। आओ अगली खबर वाल झात मारते हाँ। दुनिया की पहली करोना वैक्सीन का उत्पादन शुरू, इस महीने के अंत तक होगा पूरा। रूस ने करोना वैक्सीन लिए अपने नवे वैक्सीन के पहले समूह का उत्पादन शुरू कर दिता है। शनिवार को सेहत मंत्रालय ने इस टीके के निर्माण की जानकारी दी। रूस ने कहा कि इस पहले टीके का पहला समूह इस महीने के अंत तक तैयार किया जाएगा। कुछ विज्ञानियों ने कहा कि उन्होंने डर है कि करोना टीका पैदा करने लिए विश्वव्यापी दौड़ के विचकार इन्नी तेजी नाल नियमित प्रवानगी दे के मास्को सुरक्षा प्रति देश के माण नूं महत्व दे रहा है। अगली वड्डी खबर जी, करोना की रफ्तार बरकरार। 24 घंटे 2.5 लाख के करीब आए नवे केस, 5,000 तो ज़्यादा मौत। दुनिया भर के करोना के मामले तेजी नाल वध रहे हैं। बीते एक दिन में दुनिया के वख-वख देशों में 2,47,000 नवे पॉजिटिव मामले दर्ज किए गए। इस दौरान 5,140 लोगों की जान भी चली गई। हुण तक कुल 2,15,00,000 तो ज़्यादा इस बीमारी के मामले सामने आ चुके हैं। कौमांतरी पद्धर से कुल 7,67,000 लोगों की जान भी जा चुकी है। इस बीमारी तो ठीक होने वाले मरीजों का अंकड़ा 1,43,00,000 तो पार हो चुका है। इसके बावजूद भी दुनिया भर के अजे 65,00,000 तो ज़्यादा एक्टिव केस हैं। अगली खबर जी, जदों तक करोना के खात्मे का यकीन नहीं होंदा दिल्ली में स्कूल नहीं खोलेंगे केजरीवाल। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि जदों तक करोना के खात्मे और कंट्रोल को लेकर दिल्ली सरकार को पूरी तरह यकीन नहीं होंदा उदों तक राष्ट्रीय राजधानी में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। केजरीवाल ने 74वें आज़ादी दिहाड़े मौके सारे देशवासियों को आज़ादी दिवस दीआं शुभकामनावां दित्तियां। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों की सेवा की उन्हां सारे करोना के योधियां का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हाँ। उन्होंने कहा कि तुसीं सारे ने बहुत चंगा काम किया, मैं सारे करोना योधियां नूं नमन करता हाँ। उन्होंने कहा कि दिल्ली च सारे की कोशिशों नाल काफ़ी हद तक इस बीमारी से कंट्रोल हो चुका है। अगली खबर जी, अरविंद केजरीवाल का अज जन्मदिन, वर्करां तों मंगिया एक खास तोहफा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का अज जन्मदिन है पर वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। शनिवार केजरीवाल ने अपने आज़ादी दिहाड़े से देश भर के पार्टी वर्करां नूं संबोधन किया। केजरीवाल ने पार्टी कारकुनां नूं कहा कि कल मैं जन्मदिन नहीं मना रहा, सब नूं अपील है कि मेरे घर वधाई देण ना आउणा। उन्होंने अपने घर वधाई देण आउण तों लोकां नूं मना कर दिता पर गिफ्ट विच उन्होंने कहा कि तुसीं ऑक्सीमीटर दे सकते हो। केजरीवाल ने कहा कि अपने पिंड च इलाके विच ऑक्सीजन केंद्र शुरू करो। सारे कारकुनां समर्थकां डोनर्स नूं अपील है कि असीं इह योजना बना रहे हैं कि ज़्यादा तो ज़्यादा पिंडां दे विच एक एक व्यक्ति नूं एक एक ऑक्सीमीटर दे के उस पिंड की जिम्मेवारी दित्ती जाए। अरविंद केजरीवाल ने कहा देश करोना नाल जूझ रहा है। उन्होंने कहा दिल्ली विच भी एक समा अजिहा सी पर हुण सब नूं नाल लैके काबू लै लिया है। फिलहाल बाजी जीती नहीं पर हालात काफ़ी ठीक हैं, इसलिए प्लाज्मा बैंक बनाए, बैड बधाए, पर अजे भी देश में वध रहे करोना मामले देख के चिंता होंदी है। अगली खबर जी, सस्ती बिजली मुफ्त राशन, साहूकारां तो लिया कर्जा भी मुआफ़। इस राज दे सीएम ने कर दिते वड्डे ऐलान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के मोती लाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज पद्धरी स्वतंत्रता दिवस समारोह में
राष्ट्रीय झंडा लहराया। इस दौरान मुख्यमंत्री के संबोधन गरीबों के धियां ते वधेरे जोर दिता गया। सीएम शिवराज ने यह भी ऐलान किया कि हुण राज्य च कोई भी सरकारी प्रोग्राम धियां की पूजा नाल शुरू होगा। उसने अपनी सरकार दी प्राप्तियां भी गिणवाईयां। मुख्यमंत्री ने कहा कि पछड़े वर्गों लिए राखवीकरण नूं 14% तो वधा के 27% करन लई सरकार पूरी ताकत नाल अदालत विच अपना पक्ष रख रही है। मुख्यमंत्री शिवराज ने बिना किसी शुल्क के अनाज मुफ्त सिक्ख्या अते हुण हर विद्यार्थी लई लैपटॉप आधुनिक सहूलतां नाल लैस सीएम राइज स्कूल औरतों के स्वय सहायता समूहों नूं करजियां ते 4% की दर नाल करजा दिता है, जिस से 1300 करोड़ रुपए तो वध दे व्याज ने एक उत्पाद के सिद्धांत से जिले की ब्रांडिंग की घोषणा भी की। प्रधानमंत्री वंदना योजना के तहत 5,09,000 तो वध लाभपात्रियों के बैंक खाते 84 करोड़ रुपए देने का वादा किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी चलाई जा रही है। अगली खबर जी, न्यूजीलैंड के अमृतधारी सिख को बिना कृपान के काम करने आने लिए कहा। न्यूजीलैंड में कृपान की कानूनी मानता वाला एक सोध बिल भावें पार्लीमेंट में है, पर क्राइम एक्ट 1961 सैक्शन 202A तहत बिना कारण चाकू मतलब कृपान को जनता में नहीं ले जाया जा सकता, बशर्ते किसी का कोई जायज कारण हो। अमृतधारी सिख होने के नाते कृपान पहनना एक जायज कारण मनिया जाता है, जिसकी सिखा इतने छोड़ दी गई है। जिन्नी देर तक यह कृपान है किसी नुकसान पहुँचाने लिए नहीं वरती गई होगी, उन्नी देर तक इस अपराधक श्रेणी में नहीं रखा जाता। इस हक के बावजूद उटाहू की एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर वजो अक्तूबर 2019 तो श्री साहब पहन के काम करते इतों के नागरिक सरदार अमनदीप सिंह लगभग 8-9 महीने बाद जाके कृपान पहन की मुश्किल आ गई है। कंपनी ने यह सारी दलीलों रद्द करद इस नौजवान न्यूजीलैंड पुलिस की चिट्ठी लिया कहा, जिस कहा जाए कि कृपान पहन के काम वाले स्थान उत्ते काम करने की कानूनी इजाजत है। 4 जून की इस मांग तो बाद अज तक पुलिस ने इस चिट्ठी नहीं उपलब्ध करवाया। लॉकडाउन वर्गी औखी घड़ी सब नूं काम की जरूरत है, पर एक चिट्ठी करके इस काम ते जाण दी परेशानी हो रही है। अगली खबर जी, सारे वड्डे शहरों सख्ती नाल लागू होगा हुण रात का करफ्यू। कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि इस समय तेजी नाल वध रहे केसों तो बाद लुधियाना जलंधर ते पटियाला विच करोना महामारी सिखर ते है। उन्होंने इन्हां तिन्ने वड्डे शहरों के करफ्यू हुण पूरी सख्ती नाल लागू करन दा ऐलान करदिआं कहा कि रात 9 बजे तो सवेरे 5 बजे तक घरों नहीं कोई भी निकलेगा। उलंघना करने वाले ते सख्ती होगी, पर एमरजेंसी सेवावां ते बीमारी नूं छोट रहेगी। उन्हां कहा कि सारे शहरों के रात के करफ्यू का इहो समा होगा, तो वीकेंड पाबंदियां भी जारी रहनगियां। 2 हफ्तों बाद स्थिति का रिव्यू करके अगला फैसला लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि रेस्टोरेंट मैरिज पैलेसों की चैकिंग लिए विशेष टीमां तैनात होणगियां। वधेरे संपर्क में रहने वाले हाई सोशल कंटैक्टा वाले सारे व्यक्तियों के टैसट जरूरी करवाए जाएंगे। ये सन दोस्तों हुण तक दीआं पंजाब दीआं मुख्य खबरां जिन्हां दे नाल तुहानूं जाणू करवाया गया। उम्मीद करते हैं साडे वल्लों दित्ती गई जानकारी तुहाडे लई लाहेवंद साबित हुंदी होवेगी। पंजाब की नवीं तो नवीं खबर सुनने के लिए साडे चैनल दे नाल जुड़े रहो, हुणे सबसक्राइब कर लवो। धन्यवाद जी।